हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे ड्रॉप शिपमेंट के बारे में। बहुत टाइम से मैंने सुना है ड्रॉप शिपमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ 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 बनाओ। आज समझते हैं ड्रॉप शिपमेंट होती क्या है। देखिए, मेरे घर के पास में मान के चलते हैं एक भैया है जो कि बहुत अच्छी नक्काशी करते हैं और बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। अब उस मूर्ति की जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है, जो वो आगे एक रिटेलर को बेचते हैं। उस रिटेलर से आगे एक और दुकान पे जाता है, फिर दुकान पे जाता है और आप अमेज़न पे और प्रोडक्ट मान के चलो 1000 रुपए का देखते हो। तो आप कहते हो भाई ये भैया का माल 100 रुपए का है, अमेज़न पे 1000 रुपए का बिक रहा है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी चेन आ गई है। तो आप क्या करते हो, आप जाके इन भैया को कहते हो कि भैया जब भी मैं आपको कहूंगा मुझे मूर्ति बना के दे देना। तो आप अमेज़न पे जाते हो, अमेज़न पे जाके आप एक स्पेसिफिक अमाउंट का प्रोडक्ट डाल देते हो कि भाई ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, या फिर 1000 रुपए का सब बेच रहे हैं, मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट 800 रुपए का है। तो जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आता है तो मैं उस भैया को कहता हूं कि भैया वो प्रोडक्ट आप उस घर पे डिलीवर कर दो, आपको वो 100 रुपए देता था, मैं आपको 150 रुपए दूंगा, मैं आपको डिलीवरी चार्ज भी दूंगा। भैया खुश हो जाते हैं। तो मैं भैया की इनडायरेक्टली सेल बढ़ाता हूं अपने मार्केटिंग स्किल से। तो इसी पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन लेके चलते हैं। क्या होता है, मान के चलो अली एक्सप्रेस नाम की एक साइट है, वहां पे आप एक प्रोडक्ट देखते हो, कोई ज्वेलरी है, कोई कंगन है, उस टाइप की चीजें, उसका जो प्राइस आप देखते हो वो $1 का है मान के चलते हैं। अब आप उस प्रोडक्ट को अपनी साइट पे लिस्ट करा के कहते हो कि भाई ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है प्लस शिपिंग, जो भी शिपिंग चार्जेस आएंगे। तो बंदा वहां से ऑर्डर करता है, आप क्या करते हो, आप अली एक्सप्रेस से माल को मंगाते हो डायरेक्टली उसके घर पे और उसको गिफ्ट रैप करा देते हो। तो वो प्रोडक्ट डायरेक्टली उसके घर पे पहुंचता है और उसको लगता है ओ भाई मेरे को 100 रुपए का प्रोडक्ट मिल गया। यहां पे आपने इन्वेंटरी नहीं रखी है। सबसे अच्छी बात इस पूरे मॉडल के अंदर क्या हो रही है, नॉर्मली अगर आप अपनी दुकान खोलते हो, कोई भी ई कॉमर्स स्टोर खोलते हो, मान के चलो आप गफार मार्केट से, दिल्ली के अंदर होलसेल इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, आप वहां से कुछ माल उठा के लाते हो और उसके बाद उसको अमेजोन पे बेचते हो, जो कि अभी तक बहुत सारे लोग कर रहे थे। पर ड्रॉप शिपमेंट ने क्या कहा कि भाई आप अली एक्सप्रेस से माल उठाना और डायरेक्टली वहीं डिलीवर कर देना। अब आपने क्या किया, इसको पूरा मॉडिफाई करके चलते हैं। ड्रॉप शिपमेंट को बहुत बार सुना होगा, मैं अपने तरीके से आपको एक तरीका बता रहा हूं क्या कर सकते हो। आपने क्या किया, एक दिन आपने चक्कर लगाया गफार मार्केट का, आपने वहां पे सारे प्रोडक्ट देखे, सबके रेट ले लिए, सबकी फोटोज खींच ली, सब कुछ कर लिया, अब जाके उसको लिस्ट करा दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहां पे वो आपकी वेबसाइट है, आपका प्राइस है। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आता है आप गफार मार्केट जाते हो, प्रोडक्ट लेते हो और खुद डिलीवर करते हो। अब अली एक्सप्रेस वाले काम के अंदर जो भी ड्रॉप शिपमेंट वाला काम हो रहा है उसके अंदर क्या होता है कि भाई मेरे पास ऑर्डर आता है, मैं उस दुकान वाले को कहूंगा कि भैया आप वहां पर डिलीवर कर दो। पर इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक छोटी सी कमी रहती है। मैंने मार्केटिंग करके, अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करके एक लीड जनरेट करी जो कि हेडफोन्स ले रही है एग्जाम्पल के लिए। अब जो हेडफोन ले रही है मेरी साइट से वो पोटेंशियल बायर है और भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। तो पूरी मार्केटिंग मैंने करी उसके ऊपर। अब क्या करेगा वो जो बंदा रिटेलर था, उसने वो प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद उसके अंदर टैग डाल दिया कि दिस प्रोडक्ट इज शिप्ड बाय डैश कंपनी, या फिर ये प्रोडक्ट मैंने बेचा है, और उसके अंदर मैंने एमआरपी भी लगा दिया। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका सारा मार्केटिंग एफर्ट आपका लगा, स्टार्टिंग एक्विजिशन कॉस्ट आपकी लगी, उसके बाद उस बंदे ने सारा डेटाबेस रख लिया आपसे लेके कि भाई ये फलाना बंदा, इसको हेडफोन चाहिए, अब भाई उसको पता है इसका एड्रेस क्या है, इसका ईमेल आईडी क्या है, सब कुछ क्या है, अब वो उसको टारगेट कर सकता है घुमा फिर आगे। तो Shopify नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप ड्रॉप शिपमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, 2000 से कम पैसे लगते हैं। तो आप वहां पे शुरू करते हो, वहां पे उन्होंने स्टोर डाल रखा है, स्टोर से लिंक कर रखा है उन्होंने, तो आप वहां पे अपने सारे के सारे प्रोडक्ट दिखा दोगे, आप कहोगे देखो मेरे प्रोडक्ट कितने सारे हैं। अब क्या होगा, आपको एक स्पेसिफिक प्राइस मिलेगा उस शॉप से, मान के चलो एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस $2 होगा, अब आपकी मर्जी उसको कितने का भी बेचो, $2, $5, $10, $1000, जितनी मर्जी आपकी है। अब मार्केटिंग आप करते हो, उस प्रोडक्ट को बेचते हो, सारा डेटाबेस उनके पास चला जाता है, उसके बाद वो डेटाबेस को किस तरीके से रीटारगेट करते हैं वो उनके ऊपर है। यहां पे एक छोटा सा नुकसान और हो सकता है भाई, अब कल को कहीं ना कहीं से वो बंदा जिसने आपसे प्रोडक्ट लिया था वो कहीं ना कहीं से उस साइट के ऊपर पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए का मिल रहा था, अब वो कहेगा कि भाई ये $1 का प्रोडक्ट मुझे इसने $5 का चेपा है, ये चोर बंदा है। तो वो आपका जो ब्रांड बिल्डिंग होनी थी वो खत्म हो जाएगी। इसके अंदर एक और नुकसान क्या हो रहा है, आप सबको ड्रॉप शिपमेंट पता लग रही है, Shopify नाम की चीज आ गई है, भाई सस्ते में काम शुरू हो सकता है, अब ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आ रही, तो कम कम मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। भाई 100 रुपए की आइटम लेके 102 रुपए की बेच देनी है, इतना गंद मचा देना है। इस चक्कर में अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ कॉम्पिटिशन में काम करूंगा तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा,
अगर आप एक निश को डिफाइन कर सकते हो कि भाई इसके अंदर मेरी मोनोपोली है, तब तो ठीक है। अगर आप वही शॉपिफाई वाला जो पूरी दुनिया काम कर रहे हैं, अगर वो करोगे तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा मॉडल नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अच्छा तरीका जो मैं आपको गफार मार्केट वाला एग्जांपल दिया, सबसे बढ़िया तरीका है वो ड्रॉप शिपमेंट का। ड्रॉप शिपमेंट का टाइप कहूंगा मैं इसको। यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप डिटेल शेयर नहीं करोगे सामने वाले से। मैं आपको टिप दे रहा हूं ये बहुत ज्यादा, हमारे देश के अंदर ड्रॉप शिपमेंट क्यों नहीं चल पा रही, लोगों को कहना है क्योंकि कस्टम ड्यूटी फ्लक्चुएट करती है। आपने सामने वाले से प्राइस चार्ज कर लिया, अब जब उसको डिलीवर करने के लिए जा रहे हो कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगी, इस चक्कर में आपको नुकसान होगा। पर भाई यहां पे एक प्रॉब्लम ये भी है, अगर आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, कस्टम ड्यूटी का ध्यान नहीं दे रहे कि भाई मैं कस्टम ड्यूटी अगर फ्लक्चुएट कर रही है, मैं बेंगलोर से माल दिल्ली भेज दूंगा, यहां से यहां भेज दूंगा, यहां से यहां भेज दूंगा, या फिर मैं किसी मैन्युफैक्चरर से टाइप कर लेता हूं, मान के चलो एक सीट कवर का मैन्युफैक्चरर है, मैंने उसे टाइप कर लिया कि सर जब भी ऑर्डर आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप वहां पर डिलीवर कर देना। ड्रॉप शिपमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि मेरी ब्रांडिंग हो रखी है, मैंने आपको कहा देखो मेरी फलाना साइट है, अगर आपको कुछ लेना है तो आप वहां से ले सकते हो, अब आपने वहां से ले लिया, आपको उससे सस्ता कहीं से मिला तो आप कहोगे भाई बंदे ने मेरा लूट लिया, और उससे सस्ता नहीं मिल रहा और आपने मुझे ले लिया, बाद में मुझे पता लगता है मुझे कस्टम ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ रही है, मुझे लॉस हो गया। यहां पे मैं शातिर बन सकता हूं, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगा सकता हूं, तो मैं ऐड से भी पैसा कमा रहा हूं और मैं वहां से भी कमा रहा हूं, अगर कुछ लॉस होता है तो ऐड से मेरा वो बच जाएगा। पर यार ये चीजें आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपने सारे मार्केटिंग एफर्ट्स, सबसे अच्छे तरीका क्या है आपको ग्रो करना है, अगर किसी को ड्रॉप शिपमेंट का काम करना है तो क्या तरीका है, आपने वेबसाइट बनानी है, वहां पे प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करना है अच्छे पैसों के अंदर। यहां पे आप ग्लोबली भी प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि भाई अली एक्सप्रेस पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी करेगी ना, तो किसी भी बंदे को मंगाना है तो आप वहीं पर डिलीवर कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि इसका चार्ट कितना है, इसका प्राइसिंग क्या है, इसकी शिपिंग चार्जेस क्या आती है। तो भाई आप ग्लोबल लीडर बन सकते हो, पूरी दुनिया में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो अपना, बिना इन्वेंटरी रखे हुए, बिना खर्चा किए हुए, 1800-2000 रुपए सस्ते सस्ता मॉडल बना के। पर अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हो ई कॉमर्स और खुद अपना प्रोडक्ट बेचते हो, क्वालिटी टेस्ट करके देखते हो, तो भाई अच्छा ई कॉमर्स प्लेयर बन पाओगे। अगर आप 10 जगह पे रहते हो तो वहां पे कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक होगा ना, जो वहां की मोनोपोली है उसको आप बेचो ना। जैसे मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली के अंदर 10 चीज अच्छी मिलती है, अगर मैं कानपुर के अंदर रहता हूँ वहां पे 10 चीज अच्छी मिलती है, मैं भोपाल के अंदर रहता हूँ वहां पे 10 चीज अच्छी मिलती है, तो जहां पे जो अच्छी चीज मिलती है वहां पे वो बेचो ना। वहां से अगर आप पूरी इंडिया के अंदर सप्लाई करोगे तो आपका फायदा होगा। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो, ड्रॉप शिपमेंट एक शॉर्ट टर्म मेरे को लगता है पर्सनली, इंडिया के अंदर तो बहुत ही शॉर्ट टर्म लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि देखो आप इंपोर्ट वाला काम नहीं कर सकते। अगर आप ड्रॉप शिपमेंट खाली इंडिया इंडिया वाली बात कर रहे हो कि इंडिया के अंदर करूंगा, तो आपने जैसी डिटेल शेयर करनी है वो आपकी डिटेल का मिसयूज करेगा। तो भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ड्रॉप शिपमेंट को लेके, अगर किसी को गलत लगा हो तो नीचे कमेंट में बता देना। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ड्रॉप शिपमेंट को लेके, मुझे पर्सनली ड्रॉप शिपमेंट का बिजनेस उतना अच्छा नहीं लगता। देखिए एफिलिएट के अंदर क्या होता है, एफिलिएट के अंदर भाई प्राइस फिक्स होता है, ये जो प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए है और मैं आपको इसमें 10% कमीशन दूंगा। अगर आपने इस प्रोडक्ट को बेचा तो आपको मान के चलो 100 रुपए का 10 रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा, पर यहां पे आप कहीं और लेने के लिए जाओगे वो चीज आपको 100 रुपए से कम नहीं मिलने वाली। पर अगर आप ड्रॉप शिपमेंट वाले काम के अंदर जाते हो, आपको एक ही प्रोडक्ट 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का हर जगह पे मिल रहा है। कई जगह पे तो मैंने 0 रुपए का भी देखा कि भाई फ्री में ले लो प्रोडक्ट को, पर जब आप उसको कार्ड में ऐड करते हो तो शिपिंग के पैसे लग जाते हैं, वही शिपिंग पे पैसे ऐड करके आपके अल्टीमेटली बना लेते हैं। जैसे मान के चलो एक प्रोडक्ट $1 का मिल रहा था कहीं से, मैंने कहा भाई फ्री है, मान के लो शिपिंग $5 लग रही थी तो मैंने कहा भाई $60 है, बात खत्म। मैंने $5 प्लस $1 $6, $1 मैंने ऊपर से कमा लिया। पर इतने कम मार्जिन पे ऑपरेट नहीं करते जो बड़े बंदे होते हैं ना, वो मोटे मोटे मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, पर कंपटीशन इतना बढ़ रहा है तो मार्जिन कम हो जा रहा है। मैंने आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दिया है भाई, लड़ने मत लग जाना कि भाई मैं ये कर रहा हूं, मैंने इतना कमा लिया, मैंने ये कर लिया, मेरे दोस्त ने इतना कमा लिया। मैंने आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि भाई क्यों होता है ड्रॉप शिपमेंट और इससे क्या नुकसान हो सकता है। आपको प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट में कोई गलती नहीं है, पर आप लॉन्ग टर्म में नहीं काट सकते किसी का यार। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपको ड्रॉप शिपमेंट समझ में आया नहीं आया, क्या ड्रॉप शिपमेंट अच्छा है या फिर नहीं है, सब बताओ मुझे। बाय, गुड नाइट, शब अगर, खुदाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।